नमस्कार, अब शुरू हो रहा है कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, स्वागत है आपका। यूपी की चुनावी राजनीति में बीजेपी आज फुल एक्शन मोड में है। दिल्ली के हेडक्वार्टर में आज पहले मुलायम सिंह यादव परिवार की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई और उसके बाद यूपी चुनाव के लिए बीजेपी, अपना दल और निषाद पार्टी के बीच गठबंधन पर फाइनल मुहर भी लग चुकी है, जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नारा दिया, उत्तर प्रदेश में फिर एक बार एनडीए 300 पार। अपना दल यानी कुर्मी पटेल वोट बैंक पर मजबूत पकड़, निषाद पार्टी जो यूपी की 5% निषाद वोट बैंक की अगुवाई करती है, इनके साथ बीजेपी का गठबंधन तय हो गया है। 300 सीटों को पार करने का दावा कर रही है बीजेपी। इस गठबंधन से चुनाव के 80-20 वाले फॉर्मूले का ग्राउंड तैयार हो गया है। इसके साथ ही इस बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से दंगे के आरोपियों को टिकट देने के मामले पर आज पूरे अटैक मोड में है कुरुक्षेत्र में। आज इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का यह नया हमला सुनिए। 5 वर्ष तक दंगाई और पेशेवर अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के भाग चुके थे या फिर वे जो हैं अपनी बेल रिजेक्ट करके जेलों में जा चुके थे, लेकिन जैसे चुनाव की सुगबुगाहट हुई, समाजवादी पार्टी की पहली सूची किन लोगों को? सहारनपुर के दंगाई, मुजफ्फरनगर के दंगाई, केराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, बुलंदसर और स्याना में लोनी तक में जिन प्रकार के लोगों को इन्होंने टिकट दिया है, ये चीजें दिखाती हैं कि अपनी आपराधिक मानसिकता, तमंचावादी मानसिकता और माफियावादी मानसिकता से ये राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये उभर नहीं पाई है। बीजेपी, अपना दल और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन पर अपने सीटों के मामले में भले ही ना बता रही हो, लेकिन कम से कम यह ऐलान हो गया कि गठबंधन है। यह गठबंधन यूपी में एनडीए को अब कितना फायदा पहुंचाएगा, इसके संकेत इंडिया टीवी और ग्राउंड जीरो रिसर्च के ओपिनियन पोल में मिले भी थे। हमारे ओपिनियन पोल ने क्या बताया था, एक बार आपको हम फिर बताना चाहते हैं। कुर्मी समाज के 56% बीजेपी को वोट जा सकते हैं, 33% समाजवादी पार्टी को, 1% बसपा को, 6% कांग्रेस को और 4% अन्य के साथ हैं। यूपी में अगर निषाद वोट की बात करें तो 61% निषाद वोट बीजेपी के पास जाता दिखता है, 24% समाजवादी पार्टी के पास, 6% बसपा के पास, 7% कांग्रेस और 2% अन्य के पास जा सकता है। यानी कुर्मी समाज का 56% वोट बैंक और 61% निषाद वोट बैंक का बीजेपी के साथ आना जाहिर तौर पर उनको फायदा पहुंचा रहा है। इसलिए इस अलायंस में भले ही बीजेपी के पास आप अगर तुलना करें कि समाजवादी पार्टी के साथ कितने नेता, कितने दल हैं, तो बीजेपी के पास शायद अलायंस पार्टनर कम जरूर हों, लेकिन जितने हैं ये पिछले चुनावों में साबित हो चुका है कि ये इफेक्टिव हैं और ये अपने वोट बैंक को डिलीवर कर सकते हैं। इसलिए आपने आज देखा, उस तस्वीर पर गौर कीजिए, जब इस अलायंस का ऐलान हो रहा था तो वहां पर बीजेपी की सारी टॉप लीडरशिप बैठी थी, समेत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृहमंत्री अमित शाह, तमाम लोग वहां मौजूद थे। वो जानते हैं कि इस अलायंस की अहमियत क्या है और बीजेपी को यकीन है कि इन दो साथियों के साथ वो एक बार फिर अपनी सरकार बना सकती है। भले ही 300 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है, हमारे एग्जिट पोल में उस हद तक बीजेपी कामयाबी हासिल कर पाएगी इस पर शक है, लेकिन पार्टी ने आज ये नारा दिया है कि यूपी में फिर एक बार 300 के पार। जेपी नड्डा ने खुद इस बात को ट्वीट भी किया, तो अब ये बात देखने वाली होगी कि इस अलायंस के जरिए कैसे बीजेपी समाजवादी पार्टी के अलायंस को मात देती है। एक चीज आपने और गौर की होगी कि खबरों में ही नहीं बल्कि जमीन पर जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे हमारे सर्वे करने वाले लोग भी गए, हमारे रिपोर्टर्स जाते हैं, मुकाबला केवल और केवल समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी गठबंधन इसके बीच ही दिखाई दे रहा, बाकी दल कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और छोटे छोटे समाजों का, जाति वर्गों का बंटवारा भी, जो वोट का है, वो भी मोटे तौर पर इन्हीं दोनों खेमों के बीच में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए अखिलेश यादव भी ये बात जानते हैं और वो नारा दे रहे हैं कि हमें 400 वोट आएगी। खैर, ये एक अतिशयोक्ति है जो हर राजनीतिक दल अपनी तरफ से करता है चुनाव से पहले। 403 में से 400 का दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं तो उस पर गंभीरता से कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन
उनको इस बात की पूरी उम्मीद है कि इस बार वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोक सकते हैं। आप हमारे साथ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ओबीसी वोटर की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, और हमने तफसील से आपको पिछले दो रोज में यह भी बताया था कि ये वोटर वर्ग जो है जाति समूह का, ये किसके साथ जा सकता है। सवर्ण जातियां 18% हैं, यादव 10% हैं। अब ये सवर्ण जातियों पर सीधी नजर होती है बीजेपी की, यादव वोट पर नजर होती है समाजवादी पार्टी की। और हमने आपको बताया था कि इस बार जो अगड़ा वोट है वो मोटे तौर पर लगभग 65% के करीब तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें वो ब्राह्मण वोट भी है जिसको लेकर बहुत चर्चाएं होती हैं। बहरहाल अब आज चूंकि बीजेपी ने अपने अलायंस का ऐलान कर दिया है, तो आज हमारे साथ मेहमान हैं दोनों पक्षों से। अब लड़ाई सीधी है, सेनाएं तैयार हैं, रणभूमि मालूम है, अब देखते हैं कि जीत किसकी होती है। राकेश सिन्हा जी बीजेपी के सांसद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी आपका बहुत स्वागत है, उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आपको मिल रही होगी। हमारे साथ आशुतोष वर्मा जी जुड़ रहे हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से, स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम मिश्र, आप आरएलडी से हैं हमारे साथ, अनुपम जी आपका भी बहुत स्वागत है। और शिवम त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिवम आपका भी बहुत स्वागत है। राकेश जी आपकी पार्टी ने नारा दिया 300 पार, मैं भी कह रहा था अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि उनको तो 400 सीटें मिलने वाली हैं। अब देखें अगर केवल गठबंधन के साथी, तो केवल नंबर की बात करें तो गठबंधन के साथी उनके पास ज्यादा हैं, आपके पास 2 हैं। देखिए वास्तव में जमात से चुनाव जीता नहीं जाता है, चुनाव जीतने के लिए वो दमखम चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक चुंबकीय ताकत के साथ काम करे, इसका आधार है, ये तर्क है। न सिर्फ संगठन के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और उसके पास एक स्पष्ट नेतृत्व है योगी जी का, उस नेतृत्व ने 5 साल में कुछ करके दिखाया है। मैं सौरभ जी एक आंकड़ा प्रस्तुत करता हूं जो समाजवादी पार्टी को आज देश को जवाब देना है। 2016 में जो उत्तर प्रदेश में जो एनसीआरबी का नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो एक रिपोर्ट है, जो जिस रिपोर्ट पर को बार बार विपक्ष सदन में सदन के बाहर उद्धृत करती है, चाहे संसद हो या विधानसभा हो, 2016 में जो और 2020 के बीच में रेप की घटनाओं में 45.43% कम हुआ है। सिर्फ मर्डर जो होता था, जो हत्याएं होती थी उत्तर प्रदेश में 2.2 पर लाख हत्या उत्तर प्रदेश में होती थी, जो घटकर 1.6 पर लाख हो गई। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश जिस तरह से एक जंगल राज में था, और जंगल राज में इसलिए कहता हूं बिहार का जंगल राज और उत्तर प्रदेश के जंगल राज में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। यही कारण है कि अखिलेश जी के आने के बाद जो एक बड़ी लोगों की तस्वीर बनी थी वह 6 महीने के अंदर समाप्त हो गई थी, जब उत्तर प्रदेश से इन्वेस्टमेंट जो था वो हंस चला गया, कानून व्यवस्था चरमरा गई, और जो राज चलता था उसका मैं उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, जो जिस प्रकार का शासन चलता था, एक समानांतर शासन पुलिस स्टेशन से लेकर बाहर तक। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दूसरी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज देश का, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हर गरीब आदमी जो हाशिए का व्यक्ति है, जिसको आप जाति के आधार पर देखते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने उस जाति को तब्दील कर दिया है विकास के पैमाने पर, एक गरीबों की और हाशिए पर रहने वालों की जाति, और उस तक हर चीज पहुंचा है जिसके लिए 70 साल से सिर्फ नारे दिए जाते थे नई दिल्ली में बैठकर। समाजवाद के नाम पर जिनको धोखा दिया जाता था, सफाईवाद किया जाता था, इसलिए नरेंद्र मोदी जी की वह कर्तित्व और व्यक्तित्व, मैं बस अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, कर्तित्व और व्यक्तित्व, और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने जो कानून व्यवस्था से लेकर राज्य और समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की, उसका परिणाम है। और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो कोई भी काशी विश्वनाथ जाएगा वो कहेगा 1000 साल के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक विकास के साथ इस देश को वह सांस्कृतिक अस्मिता दी है जिसकी कोई भारतीय कल्पना तक नहीं किया था, कितने कम समय में, इस कम अवधि में 1000 साल के इतिहास के बाद किसी हिंदुओं को एक निर्माण का इतिहास गौरव प्राप्त हुआ है। आपकी बात जो है मैं डॉक्टर आशुतोष के पास ले जा रहा हूं कि इस व्यक्ति की जात यह है और इसका नेता मेरे पास है इसीलिए इसका वोट मुझे मिल जाएगा, ये जरूरी नहीं है। वो कह रहे हैं जिसको काम का लाभ पहुंचा होगा वो अपनी जात नहीं देखेगा, वो देखेगा मुझे दिया किसने क्या। डॉक्टर आशुतोष बिल्कुल ठीक है सौरभ जी, और मैंने राकेश जी की बात सुनी, बड़े पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, सांसद हैं हमारे देश के। लेकिन मुझे लगता है सौरभ जी जो आपने बात बोली, इस बात को अगर हम 5 साल पीछे लेके जाएं, जब 2016 में 64
के करीब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी से नेता जब बीजेपी में आ रहे थे, तब ये कहा जा रहा था ये नेता भी आ रहे हैं, ये अपने साथ वोट भी लेके आ रहे हैं, और उन 64 में से 54 लोगों को टिकट दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, और भारी बहुमत 312 का लेके आए थे। तो अगर वो तब सही था तो वो आज भी सही है, नंबर वन चीज। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एनसीआरबी के डाटे देख दिए और अपने हिसाब से चीजों को बताया, लेकिन माननीय सांसद जी आपने कभी इस बारे में नहीं बताया कि एनसीआरबी ने उसी ने नीचे लाइन में लिखी है कि जो बलवे और दंगे से जुड़े मामले दर्ज किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, 2017 में 8,990, 2018 में 8,908, 2019 में 5,714, और 20 और 21 में क्योंकि कोविड रहा है उसमें डाटे नहीं गए। तो डाटे की बात करने के लिए सांसद जी अपने मुखलिफ जो प्यार वाली चीजें होती है वो रख लेते हैं, जो गलत वाली चीजें वो नहीं दिखते हैं। इस देश में कितने किसान मर गए ये किसने के बताओ, ये कैसे पता चलेगा? ये डाटा देना ही भारत सरकार ने बंद कर दिया है, क्योंकि उसको पता है कि लगातार किसान परेशान हो रहा है। आपने बेरोजगारी की बात नहीं करी, जो लगातार मुख्यमंत्री जी कहते हैं 17% थी और 4% थी। मैं सोच रहा था कि आप एक प्रबुद्ध प्रवक्ता भी हैं, सांसद हैं, बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे। आप रसोई गैस की बात भूल गए, आप लोग महिलाओं की बात कर रहे हैं लेकिन आप उनके घर के अंदर जो रसोई गैस दी है आपने उज्ज्वला योजना पे, आपने उसकी बात नहीं करी। आपने पेट्रोल और डीजल जिससे सारे आयात और सबसे सामान आते हैं जिससे महंगाई बढ़े उसकी बात नहीं करी। तो मीठा मीठा गप गप और कड़ुआ कड़ुआ समाजवादी पार्टी, ये कैसे चलेगा? उत्तर प्रदेश की जनता को 5 साल में आपको जवाब देना है। अब आपने जो 5 साल किए वो 10 मार्च को जवाब आएगा। अच्छा डॉक्टर राजचौर, आप ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ जो भी एंटी इनकंबेंसी या नाराजगी है वो तो वोट आपको मिलेगा ही मिलेगा उसके लिए, और आपने जो शुरुआत में कहा था कि जो आपके पास पिछड़े वर्ग के नेता गए हैं वो अपना वोट बैंक भी लेकर के आएंगे, और आपसे सवाल राकेश जी ने ये किया था कि जब 2017 में ऐसे ही बहुत सारे नेता इनके यहां से आपके आए थे, उनका आपने चुनाव भी लड़वाया था, तब कहा था कि इनका वोट हमको मिलेगा और मिला, तो आज जो नेता इनके यहां जा रहे हैं उसका वोटर क्यों नहीं देगा इनको वोट? इसका मैं उत्तर देता हूं। देखिए, किसी भी पार्टी का दो तरह से विकास होता है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल विकास तो भारतीय जनता पार्टी करती रही है, लेकिन समकालीन परिस्थिति में हॉरिजॉन्टल विकास के लिए हमने लाइक माइंडेड लोगों की मदद ली है, और वो आए पार्टी में, हमने उनका स्वागत किया और विचारधारा के परिधि में स्वागत किया। वे 6 साल तक, 5 साल तक या 10 साल तक रहे या नहीं रहे, जब तक विचारधारा से सहमति रही, जब हमने उस हॉरिजॉन्टल पावर को अपने लिए उपयोग किया और अपने सामाजिक आधार को हमने विकसित कर दिया, अब वो छाछ लेकर समाजवादी पार्टी बैठ जाए? हमने तो मक्खन खा लिया, अब छाछ लेकर आप घूमते रहिए? जिन जो लोग 6-5 साल पार्टी में सत्ता में रहने के बाद, प्रोफेसर साहब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन ओबीसी में उदाहरण के तौर पर, सुन लीजिए सर, इसको एक्सप्लेन एक बात पर समाप्त कर, ये मक्खन, अच्छा स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, स्वामी प्रसाद मौर्य आपके साथ जब तक रहे तब तक तो वो मक्खन दे रहे थे, अब वो अब इनके यहाँ चले गए तो वो छाछ दे रहे हैं, ऐसा कैसे है? नहीं, इसका कारण मैं बताया। देखिए, मैंने कहा जब हॉरिजॉन्टल विकास हम कर रहे थे तो हमने उन सब लोगों को जो हमारी विचारधारा से, हमारे नेतृत्व से सहमति थे, आए, उनको हमने सम्मान दिया, उनको हमने काम दिया। लेकिन सम्मान और काम पार्टी अपनी विचारधारा से, अपने मूल्यों से नहीं हट सकती है। आप पिता अपने पुत्र के लिए टिकट मांगे, आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम नहीं करें, अपने मन लायक कॉन्स्टिट्यूएंसी ढूंढें, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की सीटें भी पार्लियामेंट्री पार्टी डिसाइड करती है। ये किसी के घर में बैठकर ड्राइंग रूम में सीटें डिसाइड नहीं होती हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से प्रक्रिया से चल रही है। अकेली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसमें सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री। प्रोफेसर साहब, मैं एक बात आपकी 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 बात में एक बात एक चीज मैं नहीं समझ पा रहा हूं, एक चीज मैं नहीं समझ पा रहा हूं वो ये है, 2017 में आपको इतना प्रचंड बहुमत मिला, आपकी पार्टी के नेता लगातार ये भी कहते हैं कि ये मोदी जी के काम का प्रभाव था और इतने त्रस्त हो गए थे सपा सरकार के रूल से और बहुजन समाज पार्टी के रूल से कि लोगों को आप एक अब एक अल्टरनेट चाहिए था और सामने मोदी जी दिख रहे थे, तो उन्होंने आपको झोली भर भर के वोट दे दिए। तो ऐसे में तो ये नेता जितने आपके पास आए, इनके आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि वोट आपको वैसे ही मिल रहा था, अगर आप लोगों की पुरानी बातें सही है तो। और अगर वो वोट लेकर आ रहे थे तो मतलब उनके पीछे कोई जनाधार है। देखिए, हम मैंने क्या कहा, हमारी पार्टी उन वर्गों तक पहुंच रही थी, और पहुंचने में जिन लोगों से सहयोग मिला हमने सहयोग लिया। हमारी पार्टी गतिशील पार्टी है,
ठीक है, वो पांच वर्षों तक किसी घर में बंद नहीं रहती है, पांच चुनाव, इस चुनाव से उस चुनाव तक एक दिन भी कोई कार्यकर्ता घर नहीं बैठता है। हमने अपने उन सामाजिक आधार को वहां बढ़ाया जहां हमारे पास कमी थी, जहां हमारी अल्पता थी, जिन कॉन्स्टिट्यूंसी में या जिस वर्ग के पास हम नहीं थे वहां पहुंचे, और जिनका हमका सहारा लिया उनको अभी हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन पार्टी वहां पहुंच चुकी है, अगर उसके बाद यदि वो अब समझा मैं आपको, आप कह रहे हैं कि उन वर्गों तक पहुंचने के लिए वो नेता जनाधार उस वक्त तो नेताओं की जरूरत थी, आज वो नेता रहे ना रहे लेकिन उस वर्ग में हमारी पकड़ पहुंच चुकी है। डॉक्टर आशुतोष, मैं बाकी दोनों मेहमानों के बाद इस कमेंट के पास आ रहा हूं। नहीं सौरभ, ये बढ़िया लगा कि मक्खन इन्होंने कैसे खाया। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार मक्खन की तरह चली है और मक्खन इन्होंने खिलाया और खुद भी खाया है। मैं बताता हूं, अभी सिन्हा जी ने बोला कि लाइक माइंडेड लोगों से पार्टी विचारधारा से नहीं बटती है। मानी सांसद जी, जब फजलुल हक के साथ आप सरकार में बैठे थे, इंडियन मुस्लिम लीग के साथ में, तब आपकी जो विचारधारा कहां चली गई थी? तब तो आपको सत्ता चाहिए थी, तो आप सत्ता के साथ भागीदारी करके आपने सत्ता का भोग किया। फिर जब मुस्लिम लीग के साथ, पीडीपी के साथ आपको सरकार बनानी थी कश्मीर में, तब महबूबा मुफ्ती के साथ आपने सत्ता का भोग किया, फिर आपको लगा कि इनका यूज हो गया है तो यूज एंड थ्रो कर दो। यही आपकी जो मेंटेलिटी है यूज एंड थ्रो वाली, ये पिछड़ों ने समझी है। इस बार उत्तर प्रदेश में जो हालात हुए हैं, 69,000 भर्तियों पे 4% आपने आरक्षण दिया पिछड़ों का, और जब आपके द्वारा ही बनाया गया पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस पे सवाल उठाया तो योगी सरकार ने बोला कि हाँ ये गलत हुआ है, हम इस पे काम करेंगे, लेकिन काम नहीं किया। तो झुंझुना दिखाया आपने पिछड़ों से, वोट भी दिखाया आपने। आप इतिहास देख लीजिए, 1989 से लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार कल्याण सिंह जी का चेहरा लगा के पिछड़ों का वोट लेती रही और सबसे बड़ी पार्टी बनती रही। मैं डाटा के साथ दे सकता हूं, जब उसने पिछड़ों का साथ छोड़ा और माननीय राजनाथ सिंह जी को और राम प्रकाश गुप्ता को रिप्लेस किया, उसके बाद से आप भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में आप ग्राफ देख लीजिए, लगातार गिरते हुए चला गया। 2016 में जब अमित शाह जी आए तो उन्होंने फिर कहा कि पिछड़ों को साथ लेके सरकार बनानी है, और केशव प्रसाद मौर्य जिनको कोई नहीं जानता था उनको चेहरा बनाया और चुनाव लड़ा, पिछड़ों को फिर झुंझुना दिखाया और सरकार बनाई, और जब सरकार बनी तो केशव प्रसाद मौर्य की तख्ती लोक भवन से फेंक दी गई और अजय कुमार बिष्ट को बनाया गया। यह है हकीकत आपकी, इसलिए आपसे लोग नाराज हैं, इसलिए आपने वादा खिलाफी किया है। ठीक है सर, मेरा सवाल एक ये भी, एक आम आदमी के मन में भी सोचता आता होगा ये सवाल, मैं शिवम जी के पास जा रहा हूँ। शिवम, क्या किसी व्यक्ति की पहचान, अब लोग कहते हैं यूपी और बिहार में जात बहुत चलती है चुनाव में, चलिए ठीक है मान लिया, लेकिन क्या वहाँ यूपी बिहार का वोटर क्या उसका अस्तित्व केवल उसकी जात से है? इसके अलावा उसके अलावा उसके पास अपना कोई विवेक नहीं है, वो कुछ और नाप तोल के कहीं वोट नहीं करेगा, बस हाँ मेरी जात ये, मेरा नेता ये, मेरे नेता ने कहा इस बार इस ओर, क्या इतना सरल है? सौरभ जी, इस चीज को जज करने में सबसे बुरी तरीके से जो पिछड़े हैं वो समाजवादी वाले पार्टी वाले ही पिछड़े हैं, और उनके साथ लगातार एक बार कांग्रेस ने कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करी कि भाई सबको ले आएंगे गठबंधन बनाकर, बुरी तरीके से गिरे औंधे मुंह। एक बार बहन जी के साथ गठबंधन किया, बुरी तरीके से गिरे औंधे मुंह। इनको लगता है कि मैं अगर यादव हूं तो मेरे पीछे 11% यादव गारंटीड आने ही आने हैं। मतलब आशुतोष जी के नाम के पीछे जो नाम लगा हुआ है ये उसको अपनी मान के एक तरीके से बपौती बैठ जाते हैं कि ये हमारे वोटर हैं। 2014 से 2022 तक इस देश में एक नया वर्ग खड़ा हुआ है वोटर्स का, जिनको डिलीवरी मिली है कामों की। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं आपको, 2014 से 2017 के बीच में जब तक अखिलेश यादव जी थे उनको 18,000 घर बनाने थे, 18,000 घरों को आवास योजना के तहत स्पॉन्सर भी नहीं कर पाए, शुरुआत भी नहीं कर पाए, शिलान्यास भी नहीं कर पाए। अब जब से योगी जी आए हैं 43 लाख घर दे दिए, 2,61,00,000 टॉयलेट्स बनाए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पिछले 5 साल में। अब एक चीज बताइए, जो बेटी रात को 12 बजे या अंधेरा होने का इंतजार करती थी शौचालय जाने के लिए, वो क्यों जाएगी? अगर वो यादव ही है तो भी वो क्यों जाएगी अखिलेश यादव जी की पार्टी के पास? कहेंगे भाई जिसने हमें घर दिया। एक चीज बताइए, 47 लाख मकानों को अगर इंटू 5 भी कर लीजिए तो वोट बैंक लगा लीजिए क्या बनता है, 2,61,00,000 को इंटू 2 भी कर लीजिए तो सोच लीजिए वोट बैंक क्या बनता है। और ये बैठे हैं यहां पर ये कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हालात ये थे सौरभ जी 2017 तक के पूरे हफ्ते में 3 घंटे भी बिजली आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है। आज 2017 से 2021 के बीच में हर साल 35 लाख बिजली के कनेक्शंस लगे हैं।
अब बिजली एक जमाने में मुख्यमंत्री एक हकीकत और है, भाग जाती थी। एक 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 हकीकत और है, ये बातें जो आप कह रहे हैं, देखिए अगर ये जाति जाति वर्ग इनका इनका आधिपत्य कोई समझता हो कि हमारे साथ है तो वो अगर नहीं टूटता ये विचार ये नोशन तो बीजेपी को 14, 17, 19 में ऐसी विजय मिल नहीं सकती थी, ये बात तो स्पष्ट है। लेकिन इस बार अब मैं अपने ही ओपिनियन पोल की बात करूंगा और किसी की नहीं, हमने जो अभी सर्वे कराया हाल में, मैं जा रहा हूं अनुपम जी के पास, अब उसमें कम से कम इतना दिखाई देता है कि आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कीजिए अगर, तो फैक्ट है कि जाट वोटर कह रहा है कि मैं हैंडपंप पर ही जाऊंगा, जाट वोटर कह रहा है कि हां मैं अजीत सिंह जी की पार्टी के साथ ही जाऊंगा, वो साफ इस बात को मानता है। अब जाटा वोटर है, जाटा वोटर भी कहता, हमारे सर्वे बताता है जाटा वोटर नहीं हिल रहा अभी भी, वो मायावती जी के साथ है। मायावती जी को भले ही टोटल सीटों में हमारे हिसाब से 4-5 सीटें मिल रही उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनका वो 10% वोटर वो मायावती जी का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अनुपम मिश्र जी मुझे बताइए इस चुनाव में आइडेंटिटी महत्वपूर्ण है या काम? सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे लगता है कि मैंने अपने पहले के बोले गए सारे लोगों की सुना। मुझे राकेश जी की बात में, सांसद जी हैं, बहुत योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से डेटा रखा और जिस तरीके से बातों को रखा उससे बहुत आज निराशा हुई, क्योंकि मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ कि वो तार्किक तरीके से और बहुत स्पष्ट और साफ बात कहने वाले हैं, लेकिन वो जिस समय अपने तथ्य रख रहे थे, आपने गौर किया हो, उनकी जबान में कंपन था, वो सही से रख नहीं पा रहे थे क्योंकि वो झूठ को सच साबित करने का प्रयास कर रहे थे जिसमें वो विफल भी रहे। दूसरा, मैं ये शिवम जी की भी बात आप सब पे आता हूँ, आज दुर्भाग्य है इस देश का कि जब हमें विकास की और रोजगार की, स्वास्थ्य की और शिक्षा की बात करनी चाहिए, आज भी हम उस पुरातनपंथी बात में बात कर रहे हैं जातिगत चीजों की, क्योंकि ये सरकारें जो सत्ता में जब रहती हैं ये काम ऐसा करके कुछ दिखा नहीं पाती कि उस पर बात करें, तो ये ओबीसी वोट की बात करेंगे, ये मंदिर की बात करेंगे, ये मस्जिद की बात करेंगे। अनुपम जी ये बात तो आपकी पार्टी के नेता भी कर रहे हैं, आप अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, वो रोज यही कहते हैं कि पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। अभी आशुतोष जी ने अपने पूरे आशुतोष जी ने पूरे व्याख्यान में क्या बताया, इन्होंने यही बताया कि इन्होंने पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया, तो आप ये ना कहें कि जाति की बात केवल ये करते हैं। पिछड़ों में मेरा देखिए सौरभ जी, मैं बहुत स्पष्ट हूं इस मामले में, पिछड़ों के लिए करने की और जब सरकार जो सत्ता में होती है उनके ऊपर जो जिम्मेदारी होती है उसमें जो उनको करना चाहिए वो उसमें ही पिछड़ गए हैं। 4.5 लाख के बड़े बड़े होर्डिंग्स पूरे शहर के अंदर ही नहीं पूरे प्रदेश में लगाए गए। मैं भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए दोनों प्रतिनिधियों से कह रहा हूँ 450 नौकरियों का डेटा सार्वजनिक कर दें कि इन्होंने किन लोगों को नौकरी दी है, इस तरीके से ही। रही बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो जाट की बात नहीं है, जाट और किसान की बात है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत रोष है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से किसानों का दमन किया, किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने वाले मंत्री के बेटे को कितना समय इन्होंने लगाया बचाने में, और मंत्री जी आज भी अपने पद पे बने हुए हैं। इनकी पूरी जितनी की गई, जितने भी इन्होंने कार्य इस तरीके के किए हैं, उससे पूरे प्रदेश में नाराजगी है और भारतीय जनता पार्टी को मिल नहीं रहे लोग अपने समर्थन में। आज अनुप्रिया पटेल जी और निषाद जी इनकी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, आप देखिएगा 10 मार्च के बाद ये जो स्क्रिप्ट आज पढ़ी गई है यही उल्टी पढ़ी जाएगी। अच्छा मुझे अच्छा अभी अभी जो सांसद जी ने कहा और शिवम जी ने जो बोला उसका जवाब दीजिए। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक केस स्टडी की तरह बात करते हैं, चले पश्चिमी उत्तर प्रदेश माना जा रहा है बीजेपी के लिए बड़ा टफ है चुनाव, यहाँ पर आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल है। अभी आपने भी कहा किसान और जाट दोनों की बात है, उसमें मुस्लिम वोट बैंक को भी जोड़ दीजिए। अब अगर मैं राकेश जी की बात को सही मानू और इनकी बात को शिवम जी की बात को सही मानू, तो जिसको घर मिल गया, जिसको टॉयलेट मिल गया, जिसको किसान सम्मान निधि मिल रही है, वो इनकी तरफ क्यों नहीं जाएगा? जी आप इनसे पूछिए कि ये कुछ गांव सेलेक्ट कर लें पहली चीज, और उसमें चल के दिखा दें इन्होंने जो शौचालय बनवाए उनकी क्या स्थिति है, कंडे और भूसे की स्थिति है, किस तरीके से शौचालयों के नाम पे भ्रष्टाचार है। आप तो मीडिया से जुड़े हुए, आप देखिएगा गांव-गांव में जाकर के क्या स्थिति है और किस तरीके से वो बनाए गए हैं। और जिस आप निधि की बात कर रहे हैं, गांव के किसानों से पूछे, हम लोग तो फील्ड में देख रहे हैं। हाँ। बैंकों के चक्कर लगाते हैं, उनको सम्मान निधि नहीं मिल पाती, कमीशन मांगा जा रहा है बैंकों के अंदर। किसी भी गांव को ये दोनों, मैं आपके सांसद महोदय जी से और शिवम जी से दोनों जवाब लेता हूं, मैं जवाब लेता हूं। राकेश जी देखिए दो तीन बातें स्पष्ट से समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाति की हकीकत स्वीकार करना और जातिवाद करने में बुनियादी अंतर है। हम जाति की हकीकत को इसलिए स्वीकार करते हैं कि जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जो प्रकारांतर में 7 दशकों में छूट गए थे, उनको हम साथ लेकर चलेंगे, तो उसमें वर्ग और जाति दोनों एक साथ आ जाता है। लेकिन जो लोग जातिवाद पर निर्भर करते हैं वे 5 साल तक घरों में सोते हैं,
और चुनाव के समय में निकलते हैं। तो दूसरी जो मैंने नरेंद्र मोदी जी की जो बुनियादी बातों को मैंने रखा, जिसको इन्होंने कहा कि मैं बहुत काल्पनिक बातें कर रहा हूं, कि गांव और गरीब और किसान, इन तीन की स्थिति में मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से हम आइडियलिस्टिक स्टेट में पहुंच गए, लेकिन 7 दशकों में पहली बार कोई प्रधानमंत्री अपनी दृष्टि के साथ, कार्यक्रमों के साथ उस जमीन पर पहुंचा जहां जमीन पर राजीव गांधी कहते थे सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। आज किसान को डिजिटल ट्रांसफर से या डिजिटल ट्रांसफर से देश को कितना लाभ है, गरीब को कितना लाभ है। हो सकता है कुछ जगहों पर आप अपवाद स्वरूप में घटनाएं हो रही होंगी, लेकिन लार्जर तौर पर, व्यापक तौर पर जो हमें अनुभव आ रहा है, सौरभ जी चाहे आप हो, हम हो, या समाजवादी पार्टी या आरएलडी के प्रवक्ता हो, वो यदि किसान से नहीं जुड़े हुए तो ऐसी बातें कर सकते हैं। दूसरी जो मैं एक महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, देखिए जो उन्होंने कहा पुरातनपंथी, एक सॉफ्ट पावर होता है, चाइना $10 बिलियन का पर ईयर का सॉफ्ट पावर है, भारत सॉफ्ट पावर में पुरातनपंथी हो गया। जिस उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का महत्व सिर्फ हवाई अड्डा है क्या, कुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, वहां एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, तो उसका मतलब आप समझिए। जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण की बात हुई, जब आप कहते थे काशी और माया और काशी राम और मुलायम सिंह मिल गया, जय श्री राम मुड़ गए, और अब जय श्री राम के नारे के साथ आप चल रहे हैं, आपने कार सेवकों को गोली चलाकर सम्मान का अनुभव किया था, और आप उन लोगों को टिकट दे रहे हैं जो लोग अपराधी नहीं, अपराध करने पर गर्व का अनुभव करते हैं। 2014 में जिसको टिकट दिया उसने सुल्तानपुर से, उसने क्या कहा था मालूम है, वरुण गांधी के बारे में कहा था जितनी उनकी उम्र नहीं है उतने मेरे पर चार्जशीट है, 43 केसेस थे। और आज मैंने नाम नहीं, मैं जान उसके नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि व्यक्ति हम मौजूद नहीं है। दूसरा मैं कह रहा हूं, अभी जो आपने कैराना से टिकट दिया वो कौन सा, वो कितने अपराध के केस है, कोई मीडिया जो आपका समर्थक मीडिया उसको डिफेंड नहीं कर पा रहा। ड्रेडेड क्रिमिनल और कॉमनल एलिमेंट्स को दे रहे हैं, जिसे कैराना से जो बचे हुए लोग हैं वे कैराना छोड़कर चले जाए। आप इस उत्तर प्रदेश को दुई राष्ट्रवाद के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो अखिलेश यादव ने चुनाव का उद्घाटन किससे किया, जिन्ना के महिमा मंडन से किया, जिसे इतिहास ने कूड़े में फेंक दिया, जो विलन है, जिस विलन को हिंदुस्तान नहीं, आने वाला खंड भारत स्वीकार नहीं करेगा, उस विलन को आप नायक बनाकर प्रस्तुत करना चाहते किसके लिए। यह दो तरह से खतरनाक है, ये तो भारत के इतिहास के साथ खतरनाक है, दूसरा आप मुसलमानों को यह मानकर चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान जिन्ना को अभी भी भावनात्मक रूप से अपना नायक मानता है, तभी तो जिन्ना की प्रशंसा कर रहे हैं। हिंदुस्तान का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव, 2022 का चुनाव विभाजन 47 में हुआ, जिन्ना की मृत्यु हुए 7 दशक हो गए, उस व्यक्ति को आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में हीरो बना रहे हैं। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब 2019 में, सौरभ जी एक बात मैं कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं, 2019 में योगी जी 17 में आए, 2019 में कितने लोग जेल में थे मालूम है, 25,000 लोग जेल के अंदर थे, और जब क्रिमिनल को कोर्ट जमानत देता था तो हाथ जोड़ता था कि मुझे जेल से बाहर नहीं जाना। आपने उत्तर प्रदेश में जंगल राज किया था, लोग डरते हैं, हमारे जो आलोचक हैं वह भी समाजवादी पार्टी की सत्ता में आ जाएगी, और जो सामाजिक गठजोड़, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, मैं किसी संप्रदाय विशेष का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति इसी करते तो चलता, मुस्लिम वोट बैंक में जो सबसे घटिया क्रिमिनल एलिमेंट्स है उसको आपने प्रोटेक्ट किया, ठीक, उसको और ये बात और ठीक है, उसको आपने सरकारी ये बात दिया, बीजेपी के नेता और जंगल राज में बड़े से बड़े नेता रोज दोहराते हैं। अभी राकेश जी तो कह ही रहे हैं, आज जी थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ जी ने फिर यही बात कही थी, गुंडों को, माफियों को टिकट दिया, दंगाइयों को टिकट दिया आशुतोष जी, और याद अब बार बार ये याद दिलाया जाएगा, याद कर लो 17 से पहले क्या होता था। सौरभ जी बहुत आसान होता है दूसरों पे आरोप लगाना, और अगर उसकी बातों में हिंदी का तर्क जोड़ दिया जाए बढ़िया तरीके से, कठिन कठिन शब्द लगा दिए जाए उसमें, तो वो और मजेदार दिखने लगता है, लेकिन वास्तविकता इससे नहीं होती। वास्तविकता तब होती है जब मेरठ के सरदाना से टिकट दिया जाता है, वो पहले भी एमएलए रहा है, उसके ऊपर मुजफ्फरनगर में भड़काऊ दंगा और भड़काने के मामले में सितंबर 2013 में जेल भी गए थे, हाईकोर्ट ने डांट भी लगाया था, और उरई जेल में रहे थे, उनको टिकट देख के ये महिमा मंडन कहते हैं ये हिंदू के राष्ट्रवाद लोग हैं। फिर जो थाना भावना सीट के, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, मंत्री रहे, दड़का भड़काने पे 7 क्रिमिनल केस हैं, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और 22 सितंबर 2013 को कोर्ट ने जेल भेजा, उसकी बात नहीं कर गए क्योंकि वो सेट नहीं हो रहा है। उसके मुजफ्फरनगर की सदर सीट में ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जो मंत्री रहे, 4 मामले चल रहे हैं 2003 और 2017 में, दड़का भड़काने के भी 2 मामले दर्ज हैं उनके ऊपर,
क्योंकि वो सूट नहीं हो रहा है। फिर मुजफ्फर नगर के बुढ़ाना सीट पे फिर से उनको टिकट दिया जो 2012-2017 में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए इलेक्शन कमीशन ने उन पर उंगली उठाई थी, लेकिन वो सेट नहीं हुआ। इसके बाद हस्तिनापुर में, नाम मैं भी नहीं लूंगा क्योंकि वो लोग नहीं है, ये बात बिल्कुल अच्छा सिखाया, हस्तिनापुर की मेरठ सीट पे फिर उनको टिकट दिया गया जो 13 फरवरी 2021 को मेरठ के गंगानगर क्षेत्र में वरिष्ठ अधिवक्ता ओमकार सिंह ने सुसाइड किया और साइड नोट में उनका नाम लिया कि वो मेरा उत्पीड़न करते जा रहे थे। फिर खतौली सीट से फिर उसको टिकट दिया जो धार्मिक स्थल पर नुकसान पहुंचाने और सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप में उन पर दंगा के दौरान दंगे के दौरान हत्या का भी आरोप है और 2013 में और 14 में जेल में रहे। 17 में जब योगी की सरकार आई तो क्या बात करते हैं आप ये कहना चाह रहे कमीज हमारी नहीं तो इनकी नहीं है ना। आप अच्छे अच्छे शब्दों को गोल गोल घुमा के राष्ट्रीयता का उसका आप भाषण दे देंगे तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता समझ जाएगी? ठीक है, क्या एक जाति विवाह के हो रहे नहीं? सौरभ जी इनसे पूछेगा, ये सांसद है और ये प्रेजेंट करते हैं, उत्तर प्रदेश से गए हैं, इनसे पूछेगा क्या इस देश में हार्ड कोर क्रिमिनल क्रिकेट खेलेगा और वहां के एसपी जो उसके पीछे विकेट कीपिंग करेगा और ये देश में आप क्या बताना चाह रहे हैं? ठीक है डॉक्टर साहब, बीजेपी ने अपने अलायंस का यूपी के अलायंस कर दिया है और इसके साथ ही दावे दोनों तरफ से हो गए, बीजेपी की तरफ से 300 प्लस का और सपा की तरफ से भी पूर्ण बहुमत का 300-350 की बात कही जा रही है। राकेश जी ब्रेक से पहले आपने बहुत सारे आरोप लगाया कि उन्होंने बहुत सारे दागियों को टिकट दिया है, उसके जवाब में इन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट गिना दी। राकेश जी देखिए आरोपित होना और दागी होने में बुनियादी अंतर है। आरोपित तो मैं भी हूँ, मुझ पर भी पश्चिम बंगाल सरकार ने बिना बंगाल गए, जब मैं बंगाल 5 साल विजिट नहीं किया मुझ पर एक केस चल रहा है। तो देखिए राजनीति में किसी पर दंगा भड़काने का, किसी और बात के आप आरोप लगा देते हैं, आपकी सरकार रहती है, डिस्प्यूट होता है। एक वे लोग जो हत्या में, जो एक्सटॉर्शन में, जो रेप में सीधे शामिल है, एक्यूज्ड ही नहीं है, सर्विस्थान से प्रूफ है, सिर्फ टेक्निकल कारणों से बचे हुए हैं, ऐसे लोगों जो मैंने नाम लिया, आपसे बताइए कैराना से जिसको टिकट दिया, आप समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, क्या आप पार्टी के अध्यक्ष होते तो उस व्यक्ति को टिकट देते क्या? क्या एक व्यक्ति को टिकट, उसका आप संदेश दे रहे हैं? आप संदेश क्या दे रहे हैं कि जो ओवैसी सांप्रदायिक नारों के साथ आ रहा है उससे बड़े सांप्रदायिक ताकत को एक क्रिमिनल को दे रहे हैं, जिससे जो कैराना में ही नहीं अन्य स्थानों पर एक विशेष वर्ग को घर छोड़ने के लिए बाध्य कर दे? ऐसी स्थिति पैदा मत कीजिए राजनीति के लिए। जातिवाद और सांप्रदायिकता का उपयोग सत्ता के लिए अखिलेश यादव कर रहे हैं और अखिलेश यादव ऐसा करने में परिवारवाद को बढ़ा रहे हैं। आज यही कारण है उनके ही परिवार की अपर्णा जी ने पार्टी को छोड़ दिया, और पार्टी का छोड़ना अपर्णा जी का कोई अवसरवाद नहीं है। आपको ध्यान होगा अयोध्या के मामले में अपर्णा जी की राय और समाजवादी पार्टी की राय अलग थी, काशी विश्वनाथ के मामले में अपर्णा जी की राय और किराए, ये मैं एक अच्छी एक स्वस्थ परंपरा मानता हूं कि अपने वैचारिक बातों को स्पष्ट करते हुए, एक लंबे समय तक वैचारिक बातों से स्पष्ट करते हुए जनता को संदेश देकर उन्होंने पार्टी परिवर्तित किया। वे स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं है कि 5 साल तक तो ओबीसी सुरक्षित था, 5 साल तक तो ओबीसी का विकास हो रहा था, चुनाव के 10 दिन पर, ये तो और 5 साल के बाद ही पता चलेगा, ये तो और 5 साल के बाद ही पता चलेगा कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य है या नहीं है, अभी तो वो आई है आपकी पार्टी में। ठीक है, यूपी के कुरुक्षेत्र में कौन कितना आगे, इस पर आज बहस हो रही है। और ब्रेक से पहले अनुपम जी के पास जाना चाहता हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के, क्योंकि कैंडिडेट्स जो आपने डिक्लेयर किए उस पर बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आरोपी और दागी में फर्क है, हमारे यहां जो है वो आरोपी हो सकता है, आपने जिसको टिकट दिया वो दागी है। सौरभ जी, ये प्रोफेसर साहब, अभी देखिए हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, हर आरोप करते हैं, इनका पे जो हुए वो आरोपित हुए, हमारे यहाँ सब दागी है। कि अगर इस तरीके से आप बात करें तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे, जो प्रदेश में सत्तारूढ़ सरकार है उसके उप मुख्यमंत्री के ऊपर भी मुकदमे हैं, और आपकी कैबिनेट में आधे दो दर्जन के करीब अगर आप गिनेंगे तो मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके यहाँ कम या मेरे यहाँ ज्यादा, इससे ज्यादा और दुखद कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग इस तरीके बहस करते हैं। राजनीति में अपराधियों का प्रवेश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो मान कह रहे हैं कि उनके अपराधी हैं, मुझे कह रहे हमारे यहाँ तो आरोपी हैं, हमारे आरोपी हैं, आरोपी तो राकेश सिन्हा जी, उन्होंने बताया मैं भी हूँ, मेरे ऊपर ममता बनर्जी ने लगा दिया था मुकदमा। किसी के ऊपर भी अगर कोई आरोप है तो वो फिर उस इलेक्शन के प्रोसेस में ना आ पाए,
लेकिन खेद का विषय ये है कि प्रोफेसर साहब जब बात कहते हैं तो अपनी तरफ की बात से आठ मुंह आपने नहीं, मैं अनुपम जी ऐसा नहीं है कि मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपकी बात से भी सहमत नहीं हूँ। अभी आपने कहा कि किसी पर आरोप है तो राजनीति में नहीं आना चाहिए। अरे भाई, आपके यहाँ से जो टिकट डिक्लेयर किए गए वेस्टर्न यूपी से, गैंगस्टर एक्ट के तहत वो व्यक्ति वांछित था, लेकिन टिकट दिया ना समाजवादी पार्टी ने कैराना से। अनुपम जी, इसका जवाब आशुतोष जी दे रहे हैं। बहुत शॉर्ट में मुझे एक और ब्रेक लेना है, इसके बाद पक्का और वक्त के साथ आऊंगा, इसका उत्तर दे दीजिए उनको, तो उन तक आवाज नहीं जाएगी। नहीं सौरभ जी, देखिए उत्तर प्रदेश के इतिहास ने पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री देखा जिसके पास 1999 में सत्यप्रकाश यादव एक पीएसओ हुआ था, उसके ऊपर ओपन फायर किया गया था महाराजगंज में, मर्डर का केस चल रहा था, और 2014 से भी सरकार आ गई थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन 2019 में वो महोदय खुद मुख्यमंत्री बनते हैं तो अपना ही केस मर्डर का अपने ऊपर हटवा लेते हैं MPMLA कोर्ट से। ये पहली बार इतिहास में देखा गया। फिर आपने क्या आदर्श दिया अपने बच्चों को? उत्तर प्रदेश ने पहली बार देखा कि उप मुख्यमंत्री के ऊपर जबरदस्त क्रिमिनल चार्जेस हैं और MPMLA कोर्ट में खुद ही करवाते हैं। ये आपने आदर्श दिया इस समाज को। ठीक है, इसका रिबटल शिवम दे रहे हैं। शिवम जल्दी से। मैं सौरभ जी, अपने आप में बहुत शर्मिंदा करने वाली बात है, एक व्यक्ति जिस पर 2019 में कैराना के इनके जो MPMLA हैं उन पर 2019 में केस दर्ज हुआ, 2020 में वो जेल गए, 2022 में वो भगौड़े थे और उस भगौड़े को इन्होंने टिकट दे दिया, और उसका कंपैरिजन हो रहा है मुख्यमंत्री जी से। पहली बात आशुतोष जी, या तो आप ये तय कर लीजिए कि MPMLA कोर्ट जो है वो कोर्ट सिर्फ राजनीतिक सानिध्य में चलता है, आप भी उसको इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप नहीं करते तो कोई नहीं करता क्योंकि केसेस आपने भी विड्रॉ किए हुए हैं। संगीत सोम की इन्होंने बात की, 4 अप्रैल 2017 को एडीएलजी ने क्लेयर कट संतोष जी ने कहा कि उन पर किसी भी तरह के इस तरह के चार्जेस नहीं पाए गए, बरी किया गया है, क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई है उसमें। कंपैरिजन करने लग गए आप किससे? अपने कैराना के आदमी से। और इसको भी छोड़ दीजिए, मदन भैया कौन है, क्या ये प्रदेश नहीं जानता? अरे जिन पर 120B, 320, 66D, 302 ऐसे ऐसे केसेस लग रहे हैं, उसका कंपैरिजन मुख्यमंत्री जी से कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री जी पर भी जो आपने इनिशियल FIR की थी वो क्वाइश हुई है, मैं आपको कितनी बार कह चुका हूं। मुझे लगता है महत्वपूर्ण बात यहां पर ये है, अनुपम जी ने कहा कि बिल्कुल विकास पर बात होनी चाहिए। अनुपम जी, आप RLD के हैं और RLD से स्वर्गीय श्री अजीत सिंह जी बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि आपसे एक बागपत की सड़क नहीं बनवाई गई 25 साल, वो भी 2000। चलिए शिवम जी, अब तो ये सब चलता रहेगा, चुनाव में दोनों तरफ से तीर दागे जाते रहेंगे, अब जनता को मन बनाना है और चुनाव में जितना वक्त बाकी है इसमें काफी कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता है, समय इतना ही था। धन्यवाद करूंगा मैं राकेश सिन्हा जी आपका, आशुतोष जी आपका, अनुपम जी का और शिवम जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।